नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानधारा हर्षोली। दोस्तों, बहुत से विद्यार्थियों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर बीएड चार वर्षीय पाठ्यक्रम की फ़ीस क्या रहने वाली है, इसके अलावा दो वर्षीय जो पाठ्यक्रम है इसकी फ़ीस क्या रहने वाली है। इन सभी समस्या के समाधान के लिए आज हम ये वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। आपको बता दें, ये राजस्थान का एकमात्र चैनल है जो BSTC और PTET के परीक्षार्थियों को समर्पित है। आपकी यदि किसी भी प्रकार की समस्या है दोस्तों, आप कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं, हम आपके प्रत्येक समस्या के समाधान का प्रयास करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इस प्रकार की समस्त सहायता के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे हम आपकी मदद कर सकते हैं। अब दिखा देते हैं आपको वो नोटिफिकेशन जो राजस्थान सरकार के संयुक्त सचिव के द्वारा जारी किया गया। दोस्तों बता दें, यहाँ पर ये संयुक्त सचिव हैं डॉक्टर राजेंद्र जोशी, इनका ये लेटर आया राजस्थान सरकार की तरफ से कि शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों के लिए सत्र 2019-20 में जो फीस रहेगी वो फीस किस प्रकार से रहेगी, ये सब इसमें हवाला दिया गया। आपको बता दें कि राज्य के गैर अनुदानित शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों, आपको बता दें राज्य में ये दो प्रकार के बीएड कॉलेज, एक तो गवर्नमेंट और एक जो है प्राइवेट। तो प्राइवेट कॉलेजों की ये फीस का निर्धारण इसमें किया गया है, जिसमें आपको बता दें तो 2018-19 की जो वार्षिक शुल्क के संबंध में जो सूचना है आपको बता दें, सेम वही 19-20 में भी लागू रहेगा। ध्यान देना, आपको बता दें कि 18-19 में जो फीस का शेड्यूल था वही शेड्यूल अब सत्र 2019-20 में भी लागू रहेगा। ये किस प्रकार से रहेगा ये भी आपको बता देते हैं। इस नोटिफिकेशन में ये क्लियर बताया गया है कि प्रशिक्षण महाविद्यालयों के लिए सत्र 2018-19, ये आपको बता दें कि जो 18-19 में सेम वही नोटिफिकेशन रहेगा, अर्थात 19-20 में भी ये पहले कह चुके सेम फीस का प्रावधान यही रहेगा। जिसे आप मुझे इसमें बता दें, नेशनल काउंसलिंग फॉर टीचर एजुकेशन के रेगुलेशन के अनुसार गठित राज्य स्तरीय शुल्क निर्धारण समिति की अनुशंसा पर राज्य के गैर अनुदानित शिक्षण संस्थान अर्थात प्राइवेट कॉलेज के लिए 18-19 के साथ 19-20 में भी शुल्क इस प्रकार से रहेगी। आपको बता दें, इनमें शिक्षण शुल्क रहेगा वो 17,880 बीएड के लिए, शिक्षा शास्त्री होती है जो संस्कृत डिपार्टमेंट से करते हैं, एमएड के लिए भी सेम यही रहेगी, लेकिन अपन यहाँ केवल बीएड की बात कर रहे हैं। तो आपको बता देते हैं, तो बीएड के अंतर्गत बीएड में जो ये राशि रहेगी इसमें टोटल ये सभी मिला करके कुल आपको देने होंगे 26,880। आपको बता दें ये शुल्क वार्षिक रहेगा, प्रत्येक वर्ष आपको देना होगा ये। और इसमें से आपको बता दें 3 और 4 नंबर पे जो शिक्षण शुल्क है ये कंप्यूटर और अन्य गतिविधियाँ, ये शुल्क BPED व MA के जो विद्यार्थी हैं उन पर ये लागू नहीं है, ये केवल BA BEd वालों के लिए ही लागू है। ये शुल्क है उनका वार्षिक शुल्क, जिनमें शिक्षण शुल्क, विविध शुल्क, कंप्यूटर शुल्क और अन्य गतिविधियां शामिल हैं। विविध शुल्क क्या है इसकी भी हम तालिका में आपको बताएंगे, जो शुल्क आपसे इसके अंतर्गत लिए जाएंगे। अब हम आपको यहां दिखा देते हैं कि जो विविध शुल्क की हम बात कर रहे थे कि विविध शुल्क जो 4440 है वो क्या है, तो ये दो भागों में बटा हुआ है। इसमें एक तो है कार्यालय में विविध शुल्क के अंतर्गत, और दूसरा ये जैसा आप देख पा रहे हैं छात्र कोष में, तो ये कुल मिलाकर ये 4440 आपका विविध शुल्क है। इसको हम फुल डिवाइड करके देख लेते हैं। इसको ये देखिए, यहाँ पर कार्यालय व्यय की बात करें तो प्रवेश शुल्क जो केवल एक बार लिया जाएगा 3600 रुपये, क्वेश्चन मनी ये भी एक बार लिया जाएगा 180 रुपये, प्रमाण पत्र शुल्क ये हर साल देना होगा आपको 840 रुपये, विकास शुल्क ये हर साल लगेगा ये 840 रुपये, बिजली पानी परीक्षा का 360 रुपये, तो ये टोटल मिला के 2280 रुपये आपको देने होंगे कार्यालय खर्च के, जो इनमें से केवल आपके ये दो फीस है जो केवल प्रवेश के समय ही लगेगी, अर्थात यूँ कहें 180+36। छात्र कोष व्यय की बात करें तो इसमें खेल कूद है ये 180 रुपये, पुस्तकालय 540 रुपये, कला संगीत संस्कृति 180 रुपये, मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 180 रुपये, शैक्षिक तकनीकी 360 रुपये, कार्यशाला अनुभव 180 रुपये, विज्ञान शुल्क 180 रुपये, आकस्मिक खर्च 2160, टोटल हो जाएगा 4440। आपको बता दें, हम पहले कह चुके हैं कि प्रवेश शुल्क केवल एक बार ही लिया जाएगा और क्वेश्चन मनी एक बार लिया जाएगा, बाकी सभी शुल्क प्रत्येक वर्ष आपसे लिए जाएंगे।
तो ये आपकी कंप्लीट फीस का विवरण है। जैसा हमने आपको बताया कि आपकी यदि आप 4 वर्षीय पाठ्यक्रम कर रहे हैं तो भी, और 2 वर्षीय पाठ्यक्रम कर रहे हैं तब भी, ये आपका जैसा कि शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों के लिए उच्च शिक्षा संस्थान ने नोटिफिकेशन जारी किया है, उसके अनुसार ये बीएड फीस का निर्धारण किया जाएगा। दोस्तों, इसी प्रकार की यदि आपकी और किसी प्रकार की समस्या हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपकी प्रत्येक समस्या के समाधान का प्रयास करेंगे। और दोस्तों, इसी प्रकार की समस्त लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे ज्ञानधारा अरसोली चैनल के साथ में। नमस्कार।